स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पैसिव वॉइस का जो शेष पार्ट रह गया था उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। पैसिव वॉइस के जो वाक्य हिंदी में होते हैं उनका ट्रांसलेशन आप कैसे करते हैं, किस प्रकार से उनका ट्रांसलेशन करना चाहिए, यह मैं आपको एक वीडियो में लास्ट जो मैंने सेंड किया था उसमें बता चुका हूँ। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए पैसिव वॉइस वाला वाक्य इंटरोगेटिव इम्परेटिव है तो आप किस प्रकार से उसे बदलेंगे, किस प्रकार से आप उसे ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि बहुत ही मस्ट पोर्शन है ये पैसिव वॉइस का। बहुत ही पहली बात तो इसको पहचानना ही बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि आप इसे पहचान कैसे रहे, और पहचानने के बाद फिर आपका यहाँ मैटर पड़ जाता है कि आप पैसिव वॉइस में यह जाने कि कौन से एक्टिव वॉइस से यह बन के आया हुआ है, एक्टिव वॉइस में टेंस की कौन सी फॉर्म इसकी होती है। ऐसे बहुत से दिमाग आपको लगाने पड़ते हैं तब कहीं जाके आप पैसिव वॉइस को बना पाते हैं, और मामूली बात नहीं है किसी पैसिव वॉइस को बनाना। अगर आपको पैसिव वॉइस बनने लगता है तो बहुत अच्छी चीज होती है। तो वही मैं आज शुरू करता हूँ कि इंटरोगेटिव होगा तो क्या होगा, इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस होगा तो क्या होगा, आज हम उसको पढ़ेंगे। जैसे अगर पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, अगर पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव सेंटेंस में है तो उसको कैसे बदलेंगे, देखिए पहला सेंटेंस में आपके सामने लेके आ रहा हूं। मैं उसका आभारी क्यों होऊंगा, मैं उसका आभारी क्यों होऊंगा। इसको आप थोड़ा बनाइए फिर देखते हैं आया कि नहीं आया आपको। पहले आया, मैं यही कहने वाला था कि इसको बनाना आसान नहीं है। आपने देखा उसका यानी उसने आभार किया, मैं उसका आभारी क्यों हूँ, दो प्रकार के वाक्य हैं। ये तो आप समझ गए कि भाई को लाना है, तो भाई को तो हम पहले ले, ठीक है। अब आपने देखा कहा कि ये है यानी कि ये कन्फर्म हो गया कि फ्यूचर से बना हुआ है, तो यहाँ आई है इसलिए सेल यहाँ लग गया, ए भी कन्फर्म हो गया, आई को हमने यहाँ रख दिया और बी आपको थर्ड फॉर्म के रूप में लगाना पड़ेगा, बी फॉर्म यानी कि ये है ऑर्गेनाइज। अब इसमें एक और नियम आ जाता है जो हमने एक्टिव पैसिव में बदलाया है कि अगर ऑब्लाइज और टू नो आता है तो हम प्री पोजिशन बाई न लगा करके टू लगाते हैं, बना सिंपल तरीके से, बड़ा सिंपल। अब और दूसरा वाक्य देखिए, क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, दूसरा सेंटेंस क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या लगा, तो वार्ड तो आप लगा ही दोगे, इसमें कोई परेशानी ही वाली बात नहीं है। जाएगा ये भी फ्यूचर में है इसलिए यहां भी विल आ जाएगा, वार्ड विल भी लगाना पड़ेगा, और करना की क्या होती है डन ली, बड़ा सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखते हैं, उसे कब जेल भेजा जाएगा। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि जहां जाने की अर्थ या फॉर्म जाना ही ना हो और कुछ हो, जहां हम उसकी मीनिंग लगाने की जरूरत ना हो, वो पैसिव वॉइस में है,
मान लीजिए क्रिया मैन भेजना है, क्रिया और पैसे बाइस की पहचान जाएगा आएगा, उसे कब जेल भेजा जाएगा, सब फ्यूचर आ रहे हैं। अब देखिए तो क्या है, वैन, वैन लगा दीजिए, और चूंकि बिल है इसलिए बिल आ जाएगा, ही आ जाएगा और यहाँ बीन, वैन विल ही बीन सेंट, कहाँ भेजना है, टू प्रिजन, उसे कब जेल भेजा जाएगा। बड़ा सिंपल फॉर्म में एक और देख लीजिए, उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, उसके साथ यानी कि किया गया, सॉरी क्या आएगा पहले तो, व्हाट चाहिए है यानी शुड लगेगा, ही व्हाट शुड ही, व्हाट तो क्रिया आ गई ना, व्हाट शुड बी डन विथ हिम, ऐसे आएगा क्योंकि दो कर्ता वाला वाक्य है, उसके साथ और क्या, हमने क्या ले लिया, व्हाट शुड बी डन विथ हिम, उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। एक और देखिए, मतलब बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया गया है ना, लास्ट देखिए इसका, तुम्हें क्या दिया गया है, इसको भी बना के देखिए, तुम्हें क्या दिया गया है, तो देखिए क्या के लिए क्या लगाएंगे, वार, प्रेजेंट परफेक्ट है ये आप पहचान में आ गए आपको, व्हाट हैव यू, व्हाट हैव यू बीन गिवन, व्हाट हैव यू बीन गिवन, तुम्हें क्या दिया गया है। एक और अगर इसको जाए तो ऐसे ही बना सकते थे, व्हाट हैव बीन गिवन टू यू, अगर हम इसको ऐसे ही बना दें तो ये भी आ जाएगा कि व्हाट, अरे है जाएगा हैज बीन यू, सॉरी गिवन टू यू, इस प्रकार से भी आ जाएगा, क्योंकि आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन देखा होगा, कोई एक ला करके आप बना सकते हैं, उसी नियम के तहत ऐसा है। अगला देखते हैं, अब बारी आती है इंपरेटिव की, देखिए इंपरेटिव वाक्यों को भी बनाना सीख लें कि किस प्रकार से इंपरेटिव वाक्यों को बनाया जा सकता है। देखें जैसे मान लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस पैसिव वाइस में इंपरेटिव सेंटेंस कैसे होगा ये देखिए, और ये भी बहुत बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे उसने कह दिया नौकर को बुलाया गया, अब गया आ गया, देखो नौकर को बुलाया जाए या गया है ना, अगर आप वाक्य को थोड़ा समझ लीजिए, नौकर को बुलाया आ गया, अगर ऐसा आ गया तो जी वाक्य बनेगा ऐसे, द सर्वेंट वाज कॉल्ड, अगर ऐसे लिख दिया जाए
नौकर को बुलाया जाए। अगर ऐसे लिख दिया उसने तब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड, क्योंकि आपको पता है कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो लेट लगाते हैं, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में कोई वर्ड आता है और फिर बी लगा देते हैं और फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो उसी आधार पर यह बनता है लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड। अगला अगर देखें तो भिखारी को रोटी दी जाए, भिखारी को रोटी दी जाए। अब इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं, चाहे भिखारी से बनाइए चाहे उससे, लेकिन इससे बनाना ज्यादा अच्छा है। लेट ब्रेड बी गिवन टू द बेगर, जी बन गया, लेट आ गया, भिखारी को रोटी दी जाए, तो ऐसे ही बना सकते हैं लेट द सर्वेंट बेगर है बीई डबल जी टी आर बी गिवन ब्रेड, ये भी आपका सही है, दोनों प्रकार से चाहे जो सा आप चुन लीजिए दोनों प्रकार से सही है। अब अगला देखिए, पक्षियों का शिकार, पक्षियों का शिकार ना किया जाए, ना किया जाए। देखो ये भी पहचान ना आई है कि किस प्रकार से पैसिव वॉइस आपको देखने को मिलेगा, इसका मेन सबसे बड़ा वो अंडा ये होना चाहिए। आप देखते हैं कि ऐसे वाक अगर इंपरेटिव होते तो कैसे होते, डोंट हंट द वर्ड, ऐसे होता है जब होता, तो इसको बदल दीजिए आप, लेट द बर्ड्स, आपको पता है कि लेट बनाते हैं तो उसके बाद नॉट आता है, नॉट बी और हंटेड यानी कि एच यू एन टी ई डी हंटेड। और देखेंगे और धूप में खेलने की सलाह है, धूप में ना खेलने की सलाह दी, धूप में ना खेलने की सलाह दी जाती है। दी जाती है तो आप देखिए ये एडवाइज हो गया तो आपको पता है कि जब वाक्यों में अगर जैसे अगर इसको इम्परेटिव एक्सरसाइज क्या बनाते, अगर इसका एक्टिव वाइज होता तो डोंट प्ले इन द सन, ऐसे होता, तो जब आप इसे बनाते तो क्या आता, यू आर एडवाइज लगाते, इसी प्रकार से यहाँ बन जाएगा डोंट प्ले इन द सन अगर है तो जो हम इसे इम्परेटिव बनाएंगे देख लीजिए, यू आर एडवाइज यानी कि सलाह दी जाती है नॉट टू प्ले इन सन, है ना फंडा बढ़िया मजेदार, बस थोड़ा समझने की देर है। एक और देखिए, आपसे गाना गाने का निवेदन
किया जाता है। अब अगर इसे आप बनाते तो कैसे डिवीजन वाला वाक्य कैसे बनता, प्लीज सिंग अ सॉन्ग, ऐसे बनता एक्टिव वॉइस। और जब इसे बनाते तो कैसे आता, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग, टू सिंग अ सॉन्ग, आपसे गाना गाने का निवेदन किया जाता है। सिंपल रूप में आप देख सकते हैं, यह बड़ा ही सरल रूप है, इससे सिंपल तो आप कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन अगर ये आपको बनने लगा, अगर आपको ये बनने लगा तो बहुत अच्छी बात होती है। मैं दो सेंटेंस आपको दे रहा हूं, उसको करिए। मैं आपके व्यवहार से आश्चर्यचकित हूं, पहला सेंटेंस आपका ये हो गया। दो सेंटेंस बनाना है केवल, धूप में मत बैठो, धूप में मत बैठो, ये आपके सेंटेंस हैं जो दो आप बनाएंगे। यहाँ एक्टिव पैसिव का जो पैसिव वाइस जो दिया जाता है उसकी श्रृंखला खत्म हो जाती है। यह भी स्पोकिंग में बहुत काम आता है, यह भी स्पोकिंग में बहुत काम आता है, ट्रांसलेशन में तो आता ही है। वहां ट्रांसलेशन वाली बात आ जाती है तो जिस श्योर है कि वही ट्रांसलेशन करके ही तो आप स्पोकिंग करोगे, तो इट इज मस्ट फॉर यू। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।